जिला के हायाघाट प्रखंड के सोहरा गांव से एक विशेष कवरेज लेकर आ रहा हूं। आपको बता दूं, ये विशेष कवरेज उन लोगों के लिए है जो धनी हैं, जो धन कुबेर लेकर बैठे हैं, जो गरीबों का मदद नहीं कर रहे हैं, इस महामारी के बीच भी आगे आकर अपने समाज के गरीबों को मदद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिहार के दरभंगा जिला के सोहरा गांव में है ये गोपेश झा हैं, जो लगातार अपना जो काम है वो अपने सैलरी के बेस पर काम कर रहे हैं, अपने पैसों को लगाकर ये गाँव के आसपास के लोगों को मदद कर रहे हैं, अपने गाँव में भी लोगों को मदद कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनके पास राशन की कमी है, जिन्हें लग रहा है कि मदद करना चाहिए, जैसे ये बागीचे में बैठी महिला है, उनके पास दो बच्चे हैं, उनके पास लग रहा है कि उन्हें कमी है, तो उन लोगों को जाकर ये गोपेश झा ऐसा राशन पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन पहुंचा रहे हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाकर। आपको बता दें कि गोपेश झा पैसे से बैंक में काम करते हैं। आपको बता दें कि लगातार वो इस काम में लगे हुए हैं। आइए खुद गोपेश झा से सुनते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कहा है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। अभी कितने लोगों को आपने मतलब जो सूखा राशन है दिया है? अभी तक लगभग हमने 400-500 लोगों तक सूखा अनाज पहुंचा चुके हैं। आज कितने लोगों को दिया आपने? आज मैंने लगभग 70-80 लोगों को लगभग क्या क्या दिया है? चूरा मिक्सर और ये चूरा मिक्सर, आज तो मेरा चूरा मिक्सर का ही। अच्छा, इससे पहले हमने चूरा मिक्सर और साथ में सतुआ भी हमने लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच वितरण किया। बांटते समय में क्या डर लगता है कि हाँ किसी, जैसे ये खासकर जो बीमारी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन रहता है कि किसी के शरीर में सटना भी नहीं है और बांटना भी है, तो क्या क्या आप ध्यान रख के जाते हैं? मेरा अभी पूरा प्रिकॉशन रहता है, हम मास्क और प्रॉपर सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, मास्क और सैनिटाइजर प्रॉपर यूज़ करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम लोगों तक राशन पहुंचाते हैं। कोशिश करते हैं जो प्रॉपर आदमी के हाथ में ना देकर उनके घर पर रख दें, ऐसा भी इससे पहले भी हुआ है, कभी किन्हीं के देते भी, अगर हाथ में भी देते हैं तो उनसे लगभग मेरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंस। कितने लोगों की टीम है आपके साथ? हमारे साथ एक्चुअली हम बता दें, ये जो हमारा राहत वितरण चल रहा है वो हम कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं और हम अपने सैलरी के पैसे से लोगों तक ये सूखा अनाज पहुंचा रहे हैं और उस वितरण में हमारे साथ हमारा छोटा भाई रहता है ऋषभ और ये गौतम है, ये रहते हैं और इससे बहुत सारे लोग हमारे जो भी आसपास के हैं वो लोग हमारे वितरण में मदद करते हैं। आपको क्या मतलब कैसे सुझाव आया कि बैंक में कार्यरत हैं फिर खुद के पैसों से मतलब मदद करना है लोगों को, अचानक ये जैसे? देखिए एक्चुअली क्या, हम जिस घर में जन्म लिए हैं उस घर में पूर्व से ही ऐसा होता रहा, जो कुछ न कुछ जब कोई भी विपत्ति या आपदा का संकट का समय है तो ऊपर वाले की एक असीम कृपा होती है और उनका एक अंतर्मन का आवाज़ होता है, उस आवाज़ के हिसाब से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें हमारा कोई ये स्वार्थ नहीं रहता। हम लोग प्रॉपरली उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन लोगों को आपदा के टाइम में, खासकर जो लोग ज़रूरतमंद हैं। इससे पहले बाढ़ के समय में भी हम आपको रुस्तमपुर तरफ हायाघाट उस साइड में भी हम नाव पे जाके लोगों के बीच में अनाज राहत का भी जो भी सामान है जितना हम सक्षम है, जितने हम अपने तरफ से उसमें हम पूरे एक्टिव रहते हैं। तो क्या मतलब समाज सेवी के रूप में उभरना चाहते हैं या नेता या कुछ ऐसा मन में रखें? देखिए मतलब किसी चीज़ का ये, अगर हम कोई काम करते हैं सोशल एक्टिविटी समाज सेवा, उसको पॉलिटिकल नेता से नहीं जोड़ना चाहिए। हम इसको एक अपने अंतर्मन की आवाज़ के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी समय आएगा लोगों का जो राय रहेगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। कहाँ कहाँ बांटा आपने आज? आज हमने प्रॉपर पतोर, लक्ष्मीपुर और मधुपट्टी और ये आपका रघुनाथपुर, रतनपुरा, इस सब तरफ में आज हम बांटे। क्या लक्ष्य है, कब तक ये चलता रहेगा? ये हमारा जब तक हम सक्षम हैं पूर्ण रूप से, जब तक हमारा ये मतलब काम जैसे जरूरतमंद जब तक सक्षम है तब तक हम ये काम कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें साथ किसका किसका मिल रहा है आपको? हमारा अभी तक किसी का भी साथ नहीं मिला है, किसी का भी अभी तक साथ नहीं मिला है हमको। हम अपने सैलरी के पैसा से ही कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम भी आपको बता दें। और भाई हाँ, और सबसे बड़ी बात है किसी भी कार्य करने के लिए आपको अपने मातृ पितृ देवो भव जो संस्कृत का वर्ड है वो यहाँ पे सेट करता है, उनका आशीर्वाद से ही कोई काम हो पाता है, उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक यहाँ तक पहुँचे और उनका आशीर्वाद हमको बराबर मिलता रहता है और मेरे माँ पिताजी हमको बहुत ही प्रोत्साहित करते रहते हैं इस काम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभाशंकर गोपेश हुआ, पिताजी का नाम श्री अरुण कुमार झा है, वो यहीं पर हनुमानपुर चौक प्लस टू परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में प्रधान। क्या नाम है गाँव का? मेरा गाँव का नाम सहोरा। भूखा।